चाचा चौधरी की मूर्ति। एक दिन चाचा चौधरी अपने घर से कहीं जा रहे थे। अरे साबू, आओ जरा घूम आए। आप जाओ चाचा जी, चाची ने मुझे लस्सी बनाकर दी है, इसे पीकर मैं लंबी तान कर सोऊंगा। ये सुनकर चाचा चौधरी अकेले ही आगे चल देते हैं। चलो मैं अकेला ही जाता हूँ। कुछ दूर जाने पर, अरे भाई मूर्तिकार शॉर्टपुट, उदास क्यों बैठे हो? चाचा जी, शहर की जनता ने मुझे आपकी संगमरमर की मूर्ति तराशने को दी थी, जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। शाम को जब शहर के मेयर साहब इस मूर्ति को हार पहनाने आएंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर चाचा चौधरी शॉर्टपुट को सांत्वना देते हैं। फिक्र ना करो शॉर्टपुट, मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, मुझ पर सफेद रंग पोत दो। ठीक है। और मूर्तिकार शॉर्टपुट चाचा चौधरी के ऊपर सफेद रंग पोतना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद, शॉर्टपुट अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मेयर साहब मुझे ही मूर्ति समझकर मेरे गले में हार पहना जाएंगे। वहीं से कुछ दूरी पर हापुड़ झापड़ दो बदमाश। झापड़, ये मेयर का बेटा है, इसे उठाकर ले जाते हैं, इसे छोड़ने के बदले में काफी पैसे मिलेंगे। और वो दोनों बदमाश मेयर के बेटे को दबोच लेते हैं। ओ, बचाओ! दोनों बदमाश भागते हुए, हापुड़ काफी थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें। और दोनों बदमाश चाचा चौधरी की मूर्ति के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी चाचा चौधरी की मूर्ति में हरकत होती है और एक बदमाश के सर पर जोरदार भीमसैनी लठ का वार पड़ता है। दोनों चाचा चौधरी की मूर्ति को हिलता डुलता देख वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। भूत भागो! शाम को जब मेयर साहब चाचा चौधरी की मूर्ति को हार पहनाने आते हैं, तो मेयर साहब, अपने बेटे को संभालिए। हैं? पापा जी, अगर मेरा बेटा ना बोलता तो मैं भी आपको भूत समझकर भागने लगा था चाचा जी। हैं? ले ले ले।